मुझे मेरे कबीले ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ाऊं, तो मैंने 18 लोग जो हैं अपने कबीले से बुलवाए हैं। आज के बाद जो है मैं इंशाल्लाह पूरा मुस्तनद हैसियत में फिरूंगा, जो भी गाली देगा जो भी हो, आइंदा भी कोई देगा तो गाली में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गाली देने वाले का वो कहते हैं ना, आपकी आजादी उस वहां तक खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। यह जबान जो मुंह में है ये गालियों के लिए नहीं है कि खल्को खुदा के को गालियां दे। आप पुलिस के सिपाही हैं तो आपकी जरूरत इतनी बढ़ गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में घुस के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को आप कहते हैं मां बहन की गालियां देते हैं। लिहाजा जो मैंने किया है या जो हुआ है, और एक बात और होना भी तो आता अदालत में एक मुनासिब चीज नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? और फिर 4-5 लोग उसको मार रहे हैं, वीडियो में ये भी देखा जा सकता है, और वो लोग सारे आपके ही हैं या कोई और लोग भी थे वहां पर जो सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल करके उसको पीट रहे थे? ये वीडियो चूंकि आपने देखी होगी और सबने देखी होगी, तो ये 4-5 जरा मुबालगा है। उसमें 2 लोग जो हैं मेरे साथ नजर आ रहे हैं, तो 3। लेकिन आप वो पुलिस वालों को क्यों माइनस कर रहे हैं जो इसकी इमदाद के लिए आ गए थे, वर्दी में मौजूद थे और उन्होंने मेरे लोगों पे हाथ डाला था? तो लिहाजा हम 3 थे, वो 4 थे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि वो पुलिस और ये उसका अंदर आना, वहां तक पहुंचना, ये तो एक स्टेज ड्रामा था। तो ये मेरा काम तो नहीं है कि मैं उसको पकड़ के पुलिस के, पुलिस मौजूद थी तो पुलिस खुद पकड़ती। तीसरी बात, अदालतें जो हैं वो हमारे लिए हमारे घर की तरह तकद्दस रखती हैं, और जहां हम सुबह शाम सारी जिंदगी हमारी अदालतों में गुजरती है। तो अगर कोई आपके घर में आता है और सफेद पारचात में है और वो आपका सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग का लिहाज न करते हुए उतरती गालियों की बूछाड़ करता है, धमकियां देता है, मुसल्ला है, तो किसकी गैरत ये गवारा करेगी कि सर झुका के चला जाए? इस सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र आना जाना है, तो मैं क्यों कर जो है सर झुका के आगे जा सकता? जो शख्स देखे ये सब पाकिस्तानी समझ लें। कल ARY और जीव टीवी ने कहा शहरी को जो है उसकी दुलाई कर दी। अब ये आपकी साफत है, यानी उसको आपने शहरी बना दिया जो मेरा ताकुब कर रहा था। आप ने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने मुझे विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया। एक शख्स मेरे घर में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालत उज़्मा में मेरे पीछे आ रहा है, गालियां दे रहा है, ताकुब करता हुआ आ रहा है, उसको रोका नहीं जाता है, उसका कैमरामैन बैठा हुआ है, और आप मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सर झुका के चला जाता? अगर एक दफा कोई आदमी गालियां या मार खा ले तो फिर सबके आगे आपने अपना ये जो थोपड़ा है वो आगे रखना है और लोगों ने चपेटे मारनी है। मुझे मेरे कबीले ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ाऊं, तो मैंने 18 लोग जो हैं अपने कबीले से बुलवाए हैं। आज के बाद जो है मैं इंशाल्लाह पूरा मुस्तनद हैसियत में फिरूंगा, और जो भी आइंदा मेरे कोई रास्ता रोकेगा, मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं कि मैं कानून मुझे हक दिफा देता है। ये आए दिन पर्चे, आए दिन ये मार दाड़, ये जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ, आइंदा के लिए मैं खूब तैयारी करके जो है इस्लामाबाद में जो है अगर किसी ने मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो इंशाल्लाह ऐसी आंख निकाल दूंगा। कल से कहा जा रहा है कि वो IB का बंदा था, आप कह रहे हैं कि वो पुलिस कांस्टेबल था, तो जरा कंफर्म कर ले कि वो FIR से पता चला कि वो पुलिस का, पहले उसने कहा था जी मैं एजेंसी का आदमी हूँ, हाई कोर्ट के साथ उसने कहा था मैं एजेंसी का आदमी हूँ, वो पुलिस का बंदा निकला जो भी था, लेकिन पुलिस के बंदे का लाइन में तुम्हारी वो, क्योंकि ये लाइन का बंदा था, लाइन वाले इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लिहाजा अगर कोई शख्स मेरा ताकुब भी करता है ये बताते खुद एक जरम है। आप सर झुका के चला जाए, इस सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र आना जाना है, तो मैं क्यों कर जो है सर झुका के आगे जा सकता? जो शख्स देखे ये सब पाकिस्तानी समझ लें। कल ARY और जीव टीवी ने कहा शहरी को जो है उसकी दुलाई कर दी। अब ये आपकी साफत है, यानी उसको आपने शहरी बना दिया जो मेरा ताकुब कर रहा था। आप
ने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने मुझे विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया, एक शख्स मेरे घर में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालत उज़्मा में मेरे पीछे आ रहा है, गालियां दे रहा है, ताकुब करता हुआ आ रहा है, उसको रोका नहीं जाता है, उसका कैमरामैन बैठा हुआ है, और आप मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सर झुका के चला जाता। अगर एक दफा कोई आदमी गालियां या मार खा ले तो फिर सबके आगे आपने अपना ये जो थोपड़ा है वो आगे रखना है और लोगों ने चपेड़े मारनी है।